तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आप लोगों ने अभी तक एक लूजर्स ब्रैकेट के लिए लिस्ट देख ही लिए होंगे, जिसमें कि कुछ टीम्स के पोजीशन मेंशन है। एंड यस, स्पीडो भी यही बताते हैं कि वो लिस्ट अभी इनकम्प्लीट है, उसमें भी बहुत टीम्स के नाम नहीं है। एंड अभी कुछ टीम्स उसमें से डिस्क्वालीफाई भी होंगे। एंड वो गॉडलाइक के क्वालिफिकेशन पर ही बात करते हैं। एंड चैट में उनसे कोई पूछता है कि क्या गॉडलाइक अब T3 टीम्स है बिकॉज उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, तो इस पर उनका क्या रिप्लाई होता है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गॉडलाइक का क्या सीन है भाई? गॉडलाइक का यार ऐसा सीन है कि उनके पॉइंट्स अभी के लिए थोड़े से कम हैं, उनसे ऊपर अभी बहुत सारी टीम है, तो जब चेक्स वगैरह में अगर कोई टीम नहीं पकड़ी गई तो बहुत लाइक इम्पॉसिबल ही है। अगर चेक्स में नहीं पकड़ी गई कोई टीम्स कि वो हैकर है या नहीं है तो इम्पॉसिबल ही है, बट अगर पकड़ी गई कुछ टीम्स तो आई थिंक पॉसिबिलिटी बन सकती है, बट इट्स स्टिल डिफिकल्ट। बाकी आई मीन आई हैव नो क्लू राइट नाउ कि कितने पॉइंट्स हैं बाकी टीमों के, कितना क्या चल रहा है। और एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा था, जो लिस्ट आप लोग देख रहे थे अभी, आजकल एक लिस्ट चल रही है ना जहाँ पे दिखाया जा रहा है कितने इतने पॉइंट्स हैं, उसमें बहुत सारी टीम्स मिसिंग है। मतलब मैंने पर्सनली, मुझे बहुत सारे DMs आए थे टीम्स के कि हमारे इतने पॉइंट्स हैं, हमारे इतने पॉइंट्स हैं, हमारे इतने पॉइंट्स हैं, तो वो सारी टीमों के नाम उस लिस्ट में मिसिंग है। तो आप अभी के लिए कुछ भी नहीं कह सकते कि कोई क्वालिफाई होगा कोई नहीं होगा, बिकॉज जब तक कल रिजल्ट नहीं आता everyone is in the dark। Let's see क्या होता है, रिजल्ट का वेट करो। Back to back, Godlike didn't qualify in last two major official European, Godlike a T3 team now. Not really bro, not a T3 team. अगर आप individual level पे देखो, players are good, but the problem is कि as a team बहुत सारी issues हुए थे। Like, so I was saying कि I think Godlike का जो problem रहा है ना, वो मेरे ख्याल से सिर्फ consistency रही है। बाकी players तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तुम लोगों ने भी देखा है उनको, जब वो मारते हैं तो बहुत मारते हैं, but I don't know यार, मुझे थोड़ा सा weird लगा जब वो खेल रहे थे, कुछ glitches भी हुए, थोड़े से panic situations में भी फंस गए, but in the end it is BGIS यार, थोड़ा निराश होंगे players, but I know comeback जरूर होगा सब players का। So yes, अभी उन्होंने lag किया है but comeback जरूर होगा। एंड आपके क्या थॉट्स हैं गॉडलाइक क्वालिफिकेशन को लेकर, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।